हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर हमारा न्यू टॉपिक दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने रूट के बारे में डिस्कस किया है. ओके, सो व्हाट इज रूट, व्हाट आर फंक्शंस ऑफ रूट. उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रूट डिस्कस किए, पार्ट्स ऑफ रूट डिस्कस किए और फिर अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट. ओके, तो रूट का मेन जो फंक्शन होता है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, इसको छोड़ के जो अलग फंक्शंस ये रूट परफॉर्म करता है, सो डिपेंडिंग ऑन दैट दीज रूट्स आर मॉडिफाइड. ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट. ओके, सो इसमें देखो हम लोगों ने तीन टाइप्स डिस्कस किए थे, टैप रूट, उसके बाद एडवेंटिशियस रूट और उसके बाद फाइब्रस रूट. तो हम लोग टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट्स के ही मॉडिफिकेशंस देखने वाले हैं, फाइब्रस रूट के एज सच मॉडिफिकेशंस नहीं है, तो उसके बारे में अभी हम लोग बात नहीं करेंगे. तो हम लोगों को डिस्कस करना है टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन, जिसमें हम लोग पहले देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट. ओके, सो टैप रूट जो है उनके मॉडिफिकेशंस हम लोगों को डिस्कस करने हैं. सो टैप रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर थ्री डिफरेंट रोल्स. टैप रूट जो होते हैं दोस्तों वो तीन अलग अलग रोल के लिए मॉडिफाई हुए हैं, अडेप्ट हुए हैं. उसमें से सबसे पहला है स्टोरेज ऑफ फूड, उसमें सबसे पहला है स्टोरेज ऑफ फूड. सेकेंड मॉडिफिकेशन इज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए कुछ प्लांट्स के रूट्स ने मॉडिफिकेशन किया, लेग्युमिनेसी फैमिली के प्लांट्स ने. ओके, और उसके बाद हम लोग एक तीसरा टाइप है जो है रेस्पिरेशन, दैट इज मॉडिफिकेशन फॉर रेस्पिरेशन. सो दोस्तों टैप रूट के हम लोगों के लिए ये तीन अलग अलग मॉडिफिकेशन है. First is for storage of food, second is for nitrogen fixation, and another is for respiration. Okay, so storage of food में हम लोगों को और थोड़े से types मिलते हैं. Okay, yes, there is modification for storage of food. Storage of food के लिए ही modification है, लेकिन इसमें भी थोड़े से differences हैं. Okay, इसमें अभी हम लोग सबसे पहला discuss करेंगे that is fusiform root. ओके, सो इन दिस केस फ्यूजीफॉर्म रूट्स में क्या होता है दोस्तों, यहां पे रूट्स स्वेल्स इन द मिडल. रूट्स स्वेल्स इन द मिडल मतलब बीच में वो स्वेल होते हैं एंड टैपर्स एट बोथ द एंड्स. देखो क्या हो रहा है, ये जैसे रूट है. ओके, सो दिस रूट इज स्वेल इन द मिडल एंड टैपर्ड एट बोथ द एंड. तो देखो यहां पे ये बीच में आपको स्वेलिंग दिख रहा है और दोनों एंड पे, ये दोनों एंड पे क्या हो रहा है, वो टैपर हुआ है. दोनों एंड पे क्या हुआ है, टैपर हुआ है. सो दिस फॉर्म ऑफ रूट्स आर कॉल्ड एज फ्यूजीफॉर्म रूट. फ्यूजीफॉर्म का मतलब ही यही होता है दोस्तों कि दोनों साइड से टैपरिंग एंड बीच में स्वेलिंग. ओके, सो दिस इज अबाउट फ्यूजीफॉर्म रूट. ओके, और इसका एग्जांपल है हमारे लिए रेडिश. ओके, सो रेडिश इज द एग्जांपल फॉर फ्यूजीफॉर्म रूट्स. नेक्स्ट अभी हम लोगों को देखना है कोनिकल रूट. ओके, सो इन दिस कोनिकल रूट यहां पे क्या होता है, कोई एक ही साइड जो होता है, जो एक साइड होता है वो ब्रॉडर होता है एंड एट अनदर एंड दे गेट टैपर्ड. ओके, सो एट वन साइड और अपर साइड इट इज ब्रॉड व्हाइल एट अनदर एंड tapers it get tapered.
है, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो हम लोगों को कुछ ऐसे दिखता है। ओके, सो ये जो एग्जाम्पल है दिस इज ऑफ कैरट। तो कैरट में देखो दोस्तों, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि एक साइड से हम लोगों को उसका एंड जो होता है वो ब्रॉडर दिखता है और दूसरे साइड पे वो टेपर हुआ हुआ है। ओके, सो फर्स्ट हम लोगों ने देखा फ्यूजिफॉर्म रूट। ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा कोडिकल रूट। नाउ थर्ड वन इज नैपी फॉर्म। थर्ड जो है वो है नैपी फॉर्म रूट। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इन नैपी फॉर्म रूट, एक एंड जो है दोस्तों वो हम लोगों को ये ऐसे स्पेरिकल दिखता है। सो इट फॉर्म्स अ स्पेरिकल स्ट्रक्चर एंड एट द एंड इट गेट टैपर्स लाइक अ थ्रेड। थ्रेड जैसे ये टैपरिंग हो जाता है। ओके, तो इन नैपी फॉर्म रूट्स फॉर्म्स अ स्पेरिकल स्ट्रक्चर एंड टैपर्स like a thread, thread like tapering हम लोगों को उसमें दिखता है। okay, और इसका example है दोस्तों, मैं ये यहां पे लिखता हूं, इसका example है beta vulgaris, हम लोग जिसको beetroot बोलते हैं। और एक इसका example आपको याद रखना होगा, that is turning। ओके, सो ये एक एग्जांपल है और ये बीटा वल्गरिस एक एग्जांपल है। सो दोस्तों, फॉर टैप रूट देयर आर थ्री टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, स्टोरेज ऑफ फूड, नाइट्रोजन फिक्सेशन, रेस्पिरेशन। जिसमें से स्टोरेज ऑफ फूड में तीन अलग अलग मॉडिफिकेशन है, फ्यूजिंग फॉर्म, कोनिकल एंड नैपी फॉर्म। इन केस ऑफ फ्यूजिंग फॉर्म रूट पल्स इन द मिडल एंड इट टैपर्स एट द फोर्थ एंड। और उसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा रेडिश। उसके बाद कोनिकल में एट वन एंड इट इज ब्रॉडर, ये ब्रॉडर दिखेगा आप लोगों को, एंड एट अनदर एंड इट गेट टैपर्स, मतलब एक ही एंड पे टैपरिंग है। यहाँ पे दोनों एंड पे टैपरिंग था, टैपरिंग मतलब एक जगह पे आना, वो दो एंड्स। ओके, कोन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होना। और नैपी फॉर्म में ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर आपको पहले दिखेगा। ओके, और फिर एक जो एंड रहेगा वो डायरेक्टली बहुत ज्यादा टैपरिंग होता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। सो दिस इज फॉर नैपी फॉर्म, ये किसके लिए है, नैपी फॉर्म। ओके, सो नेक्स्ट इज, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, सो ऐसे रूट्स को हम लोग बोलते हैं नोड्यूलेटेड रूट्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड्यूलेटेड रूट्स। ओके, सो What happens in nodulated roots? Bacteria जो होते हैं nitrogen fixing bacteria, जिसका एक example हम लोग लेंगे rhizobium. So this nitrogen fixing bacteria enters into the root. Okay? तो ये root के अंदर आ जाता है। हम लोगों ने ये हमारा जो nitrogen fixation हम लोगों ने discuss किया है। Okay? उसमें भी ये आया है that nitrogen fixing bacteria enters into the root and reaches up to cortex. रूट एयर से अंदर चले जाते हैं, कॉर्टेक्स तक पहुंचते हैं, क्योंकि रूट का बीच का पार्ट जो होता है, राइट। और कॉर्टेक्स में जाने के बाद वो कुछ सेल्स में एंटर होके वो सेल्स में चेंजेस करते हैं, सो दैट सेल्स डिवाइड्स मल्टीपल टाइम्स एंड फॉर्म्स अ ट्यूमर। और उस ट्यूमर को हम लोग बोलते हैं नोड्यूल। क्या बोलते हैं हम लोग, नोड्यूल। और ऐसे रूट्स को हम लोग बोलते हैं नोड्यूलेटेड रूट्स। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नोड्यूलेटेड रूट्स। ओके, सो व्हाट हैपन हियर, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं राइजोबियम एंटर्स इनटू द रूट अप टू कॉर्टेक्स।
तो ये रूट के अंदर का पार्ट होता है। आप लोगों ने अभी के लिए इस लेक्चर के लिए सिर्फ रूट ही याद रखा तो भी सफिशियंट है। तो एंटर इनटू द रूट अप टू कॉर्टेक्स एंड फॉर्म्स नोड्यूल्स, ओके, एंड फॉर्म्स नोड्यूल्स एंड दे आर दैट नोड्यूल्स, मतलब उसके बीच में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है राइजोबियम, दैट नोड्यूल फिक्सेस नाइट्रोजन। ये क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्स करेगा। ओके, सो इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों, तो जैसे ये रूट है, तो ये रूट में आप लोगों को ये ऐसे नोड्यूलर स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखते हैं। ओके, सो दीज आर द नोड्यूल्स। ये क्या है? नोड्यूल्स है, और ये किसकी वजह से बने हैं? बैक्टीरिया रूट हेयर से अंदर एंटर होते हैं, कॉर्टेक्स तक चले जाते हैं, कॉर्टेक्स में जाने के बाद उसके कुछ सेल्स में एंटर होते हैं और फिर उस सेल्स को हाईली डिवाइड, मतलब मल्टीपल टाइम डिवाइड होने के लिए मजबूर करते हैं, और फिर ये डिविजन की वजह से जो एक स्वेलिंग, एक ट्यूमर तैयार होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नोड्यूल। ओके, और जो भी लेग्यूमिनस फैमिली के प्लांट है, ओके, सो एग्जाम्पल में लेग्यूमिनस फैमिली में ये नोड्यूलेशन हम लोगों को दिखता है। उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, दैट इज पाइसम सटाइवम। ओके, तो पी प्लांट है, ग्राम प्लांट है ना, तो ऐसे प्लांट्स में आप लोगों को ये नोड्यूलेटेड रूट्स मिलेंगे। सो दिस इज द मॉडिफिकेशन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑफ टैप रूट। ओके, सो बेसिकली हम लोगों ने स्टोरेज ऑफ फूड और नाइट्रोजन फिक्सेशन देखा। अब रेस्पिरेशन जो है ये दोस्तों थोड़ा सा अलग है। ओके, सो न्यूमैथोड्स बोलते हैं हम लोग उसको, और उसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं न्यूमैटोपोर्स। ओके, सो व्हाट हैपन इन केस ऑफ मैंग्रोव प्लांट्स? ओके, तो बहुत ज्यादा पानी प्रेजेंट होता है वहां पे। ओके, हमेशा जो सॉइल होती है वो विद वाटर होती है, मडी प्लेसेस ये होते हैं। ओके, कोस्ट लाइन के बाजू में, मतलब समुद्र की जो किनार होती है, ऐसे जगह पे हम लोगों को ये प्लांट्स दिखते हैं। ओके, सो उनको हम लोग बोलते हैं मैंग्रोव प्लांट, उनको हम लोग बोलते हैं मैंग्रोव प्लांट। Now what happened in this case is there is a scarcity of oxygen. पानी ज्यादा होने की वजह से roots को oxygen नहीं मिल पाता है ना, तो oxygen deficiency होती है, उसको हम लोग बोलते हैं scarcity of oxygen. So in case of mangrove plants, in case of mangrove, उस region को हम लोग mangrove बोलते हैं, और ऐसे region में जो plants होते हैं इसलिए उनको हम लोग बोलते हैं, in case of mangrove plants there is scarcity of oxygen, there is scarcity of oxygen, वहां पे oxygen की scarcity होती है, and so branches of roots start to grow upward। मतलब देखो दोस्तों, रूट कैसे ग्रो होते हैं? डाउनवर्ड। यहां पे ब्रांचेस कैसे ग्रो हो रहे हैं? अपवर्ड। ओके, सो दिस इज डिफरेंट। तो ये जो है ये कुछ अलग है ना। तो रूट हम लोग बोलते हैं कि वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक है। इसका मतलब क्या होता है? जमीन की तरफ जाने वाला। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक मतलब क्या? पानी की तरफ जाने वाला। ओके, एंड निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। क्या बोल रहे हैं हम लोग? निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। तो इसका मतलब क्या होता है कि लाइट से दूर जाने वाला, लेकिन यहाँ पे तो सब अलग हो रहा है। यहाँ पे सब क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज न्यूमैथोड्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमैथोड्स। ओके, सो दीज आर स्पेशलाइज्ड फॉर रेस्पिरेशन। ये किसके लिए होते हैं?
रेस्पिरेशन के लिए होते हैं. ओके, सो ब्रांचेस ऑफ रूट स्टार्ट्स टू ग्रो अपवर्ड. और ये देखो हम लोगों को, जैसे ये एक प्लांट है, ओके, और ये बेस है ना. तो जैसे मैं यहाँ पे अलग मार्कर से निकालते हैं हम लोग, जैसे ये जो है ये एक ब्रांच है रूट का, राइट. सो दिस ब्रांच ऑफ रूट स्टार्ट्स टू ग्रो अपवर्ड और ये सॉइल के बाहर आ गया. देखो दोस्तों, मतलब बेस के बाहर आ गया. तो दीज रूट्स आर कॉल्ड एज न्यूमेथोर्स. ऐसे रूट्स को हम लोग क्या होते हैं, न्यूमेथोर्स. एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर रेस्पिरेशन. दीज स्ट्रक्चर्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर रेस्पिरेशन. ओके दोस्तों, तो इसका जो एग्जाम्पल है ना, इसके एग्जाम्पल हम लोग मैंग्रोव प्लांट्स के एग्जाम्पल लिख सकते हैं, दैट इज हेरेटिएरा. ओके, उसके बाद है सोनेरा शिया, राइट, एंड अदर मैंग्रोव प्लांट्स. ऐसा भी आप लोग याद रख सकते हो. ओके, सो फॉर टैपरूट हम लोग मॉडिफिकेशन देख रहे थे. सो फॉर टैपरूट देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन: स्टोरेज ऑफ फूड, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड रेस्पिरेशन. ओके, इन केस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड देयर आर अगेन थ्री टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन: फ्यूजीफॉर्म, कोनिकल एंड नैपीफॉर्म. इन केस ऑफ फ्यूजीफॉर्म, इन द मिडल रूट्स आर स्प्रेड व्हाइल एट द एंड दे गेट टैपर्ड. वो क्या हो रहे हैं, टैपर्ड हो रहे हैं. ओके, और इसका एग्जाम्पल क्या था, रेडिश. नेक्स्ट इज फॉर कोनिकल रूट. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, एट अपर साइड इट इज ब्रॉडर वन, एट अपर साइड इट इज ब्रॉडर वन. और ये जो नीचे एक साइड पे क्या हो रहा है, वो बहुत ज्यादा टैपरिंग हो रहा है. एंड एग्जाम्पल फॉर दिस इज कैरट. ओके, नेक्स्ट इज नैपीफॉर्म रूट. नेक्स्ट क्या है, नैपीफॉर्म रूट. इस केस में क्या हो रहा है दोस्तों, कि स्पेरिकल रूट फॉर्म हो रहा है. ओके, स्पेरिकल रूट फॉर्म हो रहा है और एक जगह पे थ्रेड लाइक टैपरिंग है. सो दिस इज कॉल्ड एज नैपीफॉर्म रूट. और इसके एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ लिखे थे बीटा वल्गैरिस टर्निंग. बीटा वल्गैरिस को हम लोग बीटा बीट रूट भी बोलते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन. यहाँ पे देखो दोस्तों, हम लोगों ने इसको नोड्यूलेटेड रूट बोला है. ओके, सो व्हाट आर नोड्यूलेटेड रूट्स. इन दिस केस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंटर्स इनटू द रूट, रीचेस अप टू कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स तक पहुंचेंगे. ओके, और फिर वो क्या, सो अगेन एक बार देखो, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा है राइजोबियम एंटर्स इनटू द रूट कॉर्टेक्स. ओके, एंड फॉर्म्स नोड्यूल्स. और ये नोड्यूल्स जो होते हैं दे फिक्सेस नाइट्रोजन. ओके, सो लेग्युमिनस फैमिली के एग्जाम्पल्स हम लोगों ने लिखे थे. ये मैंने छोटा सा डायग्राम भी आपको निकाल के दिया था. एग्जाम्पल में हम लोगों ने लिखा था पाइजल सेटाइल. ओके, नेक्स्ट इज फॉर रेस्पिरेशन. इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेथोर्स. और उसमें जो छोटे छोटे पोर्स होंगे उसको हम लोग बोलेंगे न्यूमेटोफोर्स. ओके, एंड व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ मैंग्रोव रीजन. मैंग्रोव प्लांट्स जो होते हैं जहाँ पे पानी ज्यादा होता है, देयर इज स्कार्सिटी ऑफ ऑक्सीजन. उनमें ऑक्सीजन डिफिशियंसी होता है. और इस केस में ये जो रूट्स होते हैं वो अपवर्ड डिरेक्शन में ग्रो होते हैं, है ना, ये उल्टा हो रहा है. ओके, सो इसके एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखे हेरेटिएरा एंड सोनेरा. ओके, सो दोस्तों दिस इज अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ taproots. अभी नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जाएंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स. सो एडवेंटिशियस रूट्स. सो दोस्तों अगेन लाइक taproot, यहां पे भी हम लोगों ने मॉडिफिकेशंस को क्लासिफाई किया है. ओके, दैट इज फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, for mechanical support and for some other functions, some other vital functions. Okay, so yahan pe पहला है अगेन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. ओके, नेक्स्ट इज फॉर मैकेनिकल सपोर्ट. एंड थर्ड वन इज फॉर सम अदर
वाइटल फंक्शंस. ओके, सो बेसिकली हम लोगों ने तीन टाइप किए हैं फॉर मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट: स्टोरेज ऑफ फूड, मैकेनिकल सपोर्ट एंड सब वाइटल फंक्शंस. इसमें दोस्तों अभी हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं ट्यूबरस रूट. ओके, सो इन केस ऑफ टैप्रूट ऑल्सो देर इज ट्यूबरस रूट. तो हम लोग ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट इसको बोल सकते हैं. ओके, सो व्हाट हैपन इन केस ऑफ ट्यूबरस रूट? Irregular swelling. तो ऐसे irregularly swelled structures हम लोगों को दिखते हैं. Okay, so these are irregularly swollen adventitious roots. Okay, so irregularly swollen है. Okay, और इसका जो example है वो हम लोग लिख सकते हैं sweet potato. Okay, तो sweet potato irregularly swollen, जिनको हम लोग बोलते हैं tuberous root. Now next type for storage of food, मतलब modification for storage of food in adventitious root, इसमें हम लोग लिखेंगे fasciculated roots. Now in this type of roots, the roots are formed in a branches. यहाँ पे swollen part होंगे और वो बहुत ज़्यादा मतलब bunches में होंगे यहाँ पे. Okay, तो ये ऐसे structure हम लोगों को दिखेंगे. तो swollen part है, okay, tapering है, लेकिन ये bunches में है, okay, so here group or bunches of swollen roots are formed, okay, और इसका example हम लोग यहाँ लिखेंगे दोस्तों dahlia, okay. So, Asteraceae family में normally ये हम लोगों को दिखते हैं Asteraceae, right? So, this is one another type that is fasciculated. अब हम लोगों को इसी में तीसरा type देखना है, that is monilyform. Okay? So, in case of monilyform, ये देखो जैसे ये रूट है तो ये रूट्स ये ऐसे बीड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, है ना. सो गेट स्वोलन टू फॉर्म दिस बीड लाइक स्ट्रक्चर. ये ऐसे देखो बीड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किए. ओके, सो एट रेगुलर इंटरवल बीड like structures form. Okay, और इसका एग्जाम्पल, ये इसके जो एग्जाम्पल है देखो दोस्तों, एक एग्जाम्पल जो हमारा बहुत फेवरेट है और एक एग्जाम्पल ऐसा है जो हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होता है. Okay, so पहले हम लोग लिखेंगे Momordica. So Momordica करेला हम लोग जिसको बोलते हैं, right? And Vitis grapes. So, एक बहुत स्वीट एग्जाम्पल है दैट इज ग्रेप्स, और एक जो होता है वो होता है Momordica दैट इज करेला. ओके, सो दिस इज थर्ड मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड इन केस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स. एंड द लास्ट वन इज एन्यूलेटेड. लास्ट जो है वो है एन्यूलेटेड. ओके, सो इन दिस केस एन्यूलेटेड में क्या होता है कि ये जैसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे पे आते हैं, स्वोलन रिंग लाइक स्ट्रक्चर,
और ये ऐसे रूट्स फॉर्म करते हैं, ओके राइट। सो रिंग लाइक स्ट्रक्चर अपीयर्स, ओके दोस्तों। अब इसका जो एग्जांपल है उसका एग्जांपल है साइकोर्डिया, हम लोग यहां पे लिखते हैं, ओके यहां पे मैं लिख देता हूं साइकोर्डिया वाइल्ड कॉफी, ओके सिफेलिस, ये है इसके एग्जांपल, सिफेलिस है, साइकोर्डिया है जिसको हम लोग वाइल्ड कॉफी भी बोलते हैं। सो फॉर स्टोरेज ऑफ फूड इन केस ऑफ एडवेंटिशियस रूट देयर आर फोर मॉडिफिकेशन, ट्यूबरस रूट, fasciculated roots, moniliform roots and annulated roots. Now we will discuss about modification for mechanical support. इसमें दोस्तों सबसे पहला हम लोग लिखेंगे crop roots. Okay, so banyan trees आप लोगों ने बहुत बार देखे होंगे, तो उसमें देखो हम लोगों को जैसे ये एक plant है, okay, और ये उसका branch है. So From these branches, ये branches से roots arise होते हैं, okay? And these roots reaches up to the ground. Ground तक आते हैं, okay? ये ऐसे roots होते हैं, ये जो ground तक grow होंगे और यहाँ पे वो लोग enter हो जाएंगे underground, okay? And they will support to these branches. देखो बनियान tree के जो branches होते हैं वो बहुत बड़े बड़े ब्रांचेस होते हैं, है ना, एक बड़े प्लांट की इतने एक एक ब्रांच होती है उसकी, तो इतने हेवी ब्रांचेस को मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए जो रूट्स डेवलप हुए हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉप रूट्स, राइट। सो दे अराइज फ्रॉम ब्रांचेस, दे अराइज फ्रॉम ब्रांचेस, ओके। और इसका एग्जांपल है बनियान ट्री, जिसको हम लोग फाइकस बेंगालेंसिस भी बोलते हैं, ओके फाइकस बेंगालेंसिस। सो दीज आर फॉर प्रॉप रूट्स। नेक्स्ट मैकेनिकल सपोर्ट में दूसरा जो मॉडिफिकेशन है हमारे लिए वो है स्टील रूट्स, ये भी बहुत कॉमनली ऑब्जर्विंग है, ओके अगर आप लोग गांव में जाते हो राइट, और मेज प्लांट्स या शुगर के प्लांट्स अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो आपको उसमें स्टील रूट दिखेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे ये एक प्लांट है, ओके तो ये ऐसे नोड्स होता है ना, नोड्स मींस द प्लेसेस फ्रॉम वेयर लीव्स आर अराइज। सो फ्रॉम लोअर नोड, लोअर नोड जो होता है वहां से ये रूट्स अराइज होते हैं, ओके। सो दीज रूट्स आर कॉल्ड एज स्टील रूट्स, अगेन दे आर फॉर सपोर्ट, ओके। तो नॉर्मली ये जो प्लांट के जो ओरिजिनल रूट्स जो होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, तो इस प्लांट को स्टेबल रहने के लिए ये स्टील रूट उसको सपोर्ट करते हैं, ओके। सो दीज रूट्स आर अराइज्ड फ्रॉम, दीज रूट्स आर अराइज्ड फ्रॉम लोअर नोड, लोअर नोड से ये रूट अराइज हुए हैं। और इसके एग्जांपल हम लोग लिखेंगे दोस्तों जी मेंस, शुगर केन, ओके। सो दीज आर द एग्जांपल फॉर स्टील रूट, राइट। नाउ द थर्ड वन, अगेन इट इज आल्सो वेरी कॉमन, दैट इज क्लिंबर रूट्स, या क्लिंबिंग रूट बोल सकते हैं, क्लिंबर रूट बोल सकते हैं, या क्लिंगिंग रूट्स भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। सो क्लिंबर रूट्स, ओके। सो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो जिनका स्टेम जो होता है बहुत वीकर होता है, तो ऐसे केसेस में ओके आप लोगों को जैसे तो जैसे ये एक प्लांट है, तो इनके जो रूट्स होते हैं ये रूट्स देखो ऐसे इस प्लांट को क्लिंग करते हैं, है ना। तो
अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बाहर निकाले तो ऐसे भी स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखता है. तो ऐसे रूट्स को हम लोग बोलते हैं क्लिम्बिंग रूट्स, क्लिम्बर रूट्स और क्लिंगिंग रूट्स. ओके, सो दे आर फॉर सपोर्ट एंड द एग्जाम्पल फॉर देम इज पोथोस, मनी प्लांट. ओके, सो इसको हम लोग बोलते हैं मनी प्लांट. ओके दोस्तों, सो दीज आर टू मॉडिफिकेशंस. पहला हम लोगों ने देखा है मॉडिफिकेशंस इन एडवेंटिशियस रूट में स्टोरेज ऑफ फूड, जिसमें चार प्रकार हम लोगों ने देखे, ट्यूबरस, फैसिकुलेटेड, मोनिलीफॉर्म एंड एन्युलेटेड. मैकेनिकल सपोर्ट के लिए हम लोगों ने तीन टाइप्स देखे, दैट इज प्रॉप रूट्स, टिल्ट रूट्स एंड क्लिम्बर रूट्स. ओके, सो नेक्स्ट अभी हम लोगों को डिस्कस करना है वाइटल के लिए, है ना, सम अदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब फंक्शंस होता है, तो उसके लिए हम लोगों को देखना है. इसमें दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एसिमिलेटरी रूट्स. सो अगेन दिस इज मॉडिफिकेशन इन एडवांटेजियस रूट फॉर फोटोसिंथेसिस. नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि रूट फोटोसिंथेसिस नहीं करते, दे आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, वो लाइट एब्सॉर्ब नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन हुआ है फॉर फोटोसिंथेसिस. ओके, एंड इसका एग्जाम्पल है दोस्तों टीनोस्पोरा. इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं टीनोस्पोरा, और एक हम लोग लिखेंगे ट्रापा. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर assimilatory roots. ये किसके लिए example है? Assimilatory roots. Now next topic, sorry next point modification is hostorial roots. ये word तो बहुत अच्छे से याद रखो दोस्तों, क्योंकि hostorial के बारे में बहुत बार question पूछे जाने के chances होते हैं, इसके पहले भी पूछे गए हैं. Okay, so थोड़ा सा नया word है, इसी को हम लोग बोलते हैं parasitic. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? Parasitic. Now, in this case, roots of the plant enters into the stem of host. ये क्या करेंगे, मतलब जिस प्लांट पे इनको ग्रो होना है ऐसे उसको हम लोग बोलते हैं होस्ट, जिसपे ये ग्रो हो रहा है. तो ये क्या करेंगे, होस्ट के स्टेम में एंटर करेंगे, xylem plant तक पहुंचेंगे और वहां से mineral and water absorb करेंगे. Okay, mineral and nutrition absorb करेंगे. So roots of these plants enter into the stem. तो ये stem में enter होने वाले जो root है, इनको हम लोग बोलते हैं hostorial roots और parasitic roots. और इसका बहुत best example है दोस्तों cuscuta, that is हम लोग उसको अमरवेल भी बोलते हैं, है ना. अमरवेल आप लोगों ने बहुत बार अमरवेल का नाम सुना होगा. सो दिस अमरवेल आर हैविंग रूट्स विच आर हॉस्टोरियल और पैरासाइटिक. ओके, सो नेक्स्ट अभी हम लोगों को इसमें तीसरा एक टाइप है दोस्तों, दैट इज फॉलियर रूट्स. ओके, सो इन केस ऑफ फॉलियर रूट्स व्हाट हैपेंस, ये लीव्स से अराइज होता है ना. सो दीज रूट्स अराइज फ्रॉम लीव्स, तो इसलिए हम लोग उसको फोलियर बोलते हैं, है ना. सो फोलियर रूट्स आर स्पेसिफिक, दीज आर अराइजिंग फ्रॉम लीव्स एंड इन्वॉल्व्ड इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. किसमें होते हैं दोस्तों, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. और इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने इसके पहले भी सुना होगा, That is bryophyllum. क्या है इसका example? Bryophyllum, जिसमें हम लोगों को क्या दिखते हैं, foliar roots दिखते हैं. Okay, next हम लोगों को इसमें fourth जो है, that is epiphytic roots. Okay, so epiphytic roots are similar to hostorial roots. उनके जैसे होते हैं, लेकिन ये पैरासाइटिक नहीं होते, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखो. राइट, दिस एपिफाइटिक रूट्स आर, दीज आर डिपेंडेंट ऑन होस्ट
और अटैच टू होस्ट बट नॉट पैरासाइटिक, दे आर नॉट पैरासाइटिक, ये पैरासाइटिक नहीं होते हैं. ओके, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखो. और इसके एग्जाम्पल हम लोग यहां पे लिखते हैं वेंडा, राइट, वी ए एन डी ए, वेंडा एंड ऑर्चिस. ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर एपिफाइटिक रूट्स. अब इसमें और एक टाइप है जो मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूं, वैसे हम लोगों ने इसमें ही वो कवर किया है, फिर भी लिखते हैं. दैट इज फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव रूट्स. तो दीज रूट्स आर इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ये किसमें होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ओके दोस्तों, और इसका एग्जाम्पल जो हम लोगों ने ऑलरेडी यहां पे भी देखा है, दैट इज स्वीट पोटैटो. ओके फ्रेंड्स, सो दीज आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट. दीज आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट, जिसमें फर्स्ट टाइप हम लोगों ने देखा था, दैट इज फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. Sorry. So in case of storage of food, there are four modifications. First is tuberous, in which irregularly swollen adventitious roots are arise. ये कैसे? Irregularly swollen, और इसका example हम लोगों ने लिखा था दोस्तों, sweet potato. Okay. The next is fasciculated roots. So in case of fasciculated roots, they are also irregularly swollen, but they appears in a bunch. वो कैसे एक साथ दिखते हैं हम लोगों को? ग्रुप में दिखते, बंच में दिखते. एंड एग्जांपल फॉर दिस इज डहलिया, ओके, फ्रॉम एस्टरासी फैमिली. नेक्स्ट इज मोनी लीफ फॉर्म. नाउ इन मोनी लीफ फॉर्म अ बीट लाइक स्ट्रक्चर, मैं और एक यहाँ पे स्ट्रक्चर निकालता हूं, ये ऐसे बीडेड स्ट्रक्चर. मोनी लीफ फॉर्म को दूसरा नाम बीडेड भी है ना, इसी को हम लोग बीडेड भी बोल सकते हैं. So, in this case, at regular interval, bead-like swollen structures are formed. Okay, so, iske example hum log dekhe the momordica, that is Karela, and vitis, grapes. Next, annulated roots. In this case, these ring-like structures are formed. Matlab ring ke form mein swollen hua hai, aur aise bahut zyada structures hum logon ko dikhte hai. Okay, so, isko hum log bolte hai annulated roots. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Annulated roots. और इसके example हम लोगों ने यहाँ पे लिखे थे, that is Cycordia, और हम लोग लिख सकते हैं Cephalis. Okay. Next, for mechanical support, first is prop roots. So these roots are arise from branches. ये ऐसे जो branches होते हैं, बहुत बड़े बड़े branches होते हैं, तो उसको support करने के लिए ब्रांचेस से ये रूट अराइज होते हैं, रीचेस अप टू द ग्राउंड एंड सपोर्ट दिस ब्रांचेस. ओके, एंड द एग्जांपल इज बनियन ट्री, दैट इज फाइकस बेंगलेंसिस. ओके, नेक्स्ट स्टिल्ट रूट. दीज रूट्स आर अराइज फ्रॉम लोअर नोड, जो सबसे नीचे वाला नोड होता है ना, तो उससे ये रूट्स अराइज होता है. और इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे जी मेज एंड शुगर केन. And the third one is for mechanical support, that is climber roots or clinging roots or climbing roots. Okay, and they are for supportation. So pothos, money plant में हम लोगों ने ये roots बहुत commonly observe किए होंगे. Okay, next for vital functions. So यहाँ पे assimilatory root है, मतलब कुछ अलग functions अभी देख रहे हैं. So it is for photosynthesis. Example is Tinospora and Trapa. Next is hostorial or parasitic roots. Now these roots of the plant enter into the stem. जो host plant होता है उसके stem में enter होते हैं और वहां से mineral nutrition absorb करते हैं. Okay, तो इसका example cuscuta, that is amarvel. Next foliar roots. So these roots are arise from leaves. ये कहां से arise हुए हैं दोस्तों? From leaves, and they involved in vegetative reproduction. Okay. नेक्स्ट उसका एग्जांपल ब्रायोफाइलम, उसके बाद एपिफाइटिक रूट्स,
So these are light hostorial road but non-parasitic. They are non-parasitic. और उसके example हम लोगों ने यहाँ लिखे Vanda and Orchis. And the last one is reproduction. So involved in vegetative reproduction और उसका example sweet potato. So friends, ये हम लोगों ने आज के lecture में modification of roots देखे. इसमें tap root and adventitious root के modifications देखे. मैं आपको और एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कल का हमारा लेक्चर जो था उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे रिप्लाई आया है, राइट? उन्होंने कुछ डाउट्स पूछे हैं, कुछ लोगों ने टेबल बनाए, कुछ लोगों ने यूट्यूब पे भी कमेंट किया दैट दे आर फीलिंग लाइक अ क्लासरूम लेक्चर. ओके दोस्तों, तो आप भी ऐसे ही कमेंट और लाइक करते रहो ताकि हम लोग और ज्यादा अच्छे से या और ज्यादा एनर्जी से ये लेक्चर्स आप तक पहुंचा सके. ओके, और बाकी लोगों को भी मैं ये कहूंगा कि देखो दोस्तों, आपका जो इंटरेस्ट है ओके, वो ऐसे ही बरकरार रखो. मुझे डर था कि एक महीने के बाद हमारे लेक्चर्स हुए थे तो आप लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हो कैसे नहीं, लेकिन आप लोगों का जो इंथुजियाज्म है वो आज भी वैसे ही है और ऐसे ही अगर रखेंगे तो हम लोग जरूर कोरोना को ओवरकम करेंगे और हमारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे. ओके, सो थैंक यू एंड लाइक अस, सब्सक्राइब अस, ओके, ताकि ये हम लोगों को एनर्जी दे. थैंक यू.